हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिस क्रिएशन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉल केक। अभी ये वाला डॉल केक हमने डॉल केक के टॉपर से बनाया है। आपके पास कोई छोटा सा मॉडल रहेगा डॉल का तो आप वो भी जरूर यूज कर सकते हो, बट ये वाले तरीके से एक बार ट्राई करके देखना। आपका केक कहीं पे भी ज्यादा दूर रहेगा डिलीवर करने के लिए तो भी ये वाला केक बहुत इजीली डिलीवर भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपका केक स्लिप होने की या आपको अच्छे से केक सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। एज इट इज़ हमें हमेशा जो हम लोग केक बनाते हैं वैसे ही बनाना है, और जो भी टॉपर रहेगा उसे जस्ट केक के ऊपर रख दो, और जो भी आपको फ्रील बनाना है, फ्रॉक बनाना है या जो भी आपको ड्रेसेस बनाने हैं तो उस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा केक बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने केक को अच्छे से क्रम कोटिंग करके लिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने लेमन येल्लो शेड यूज़ किया है, जस्ट एक ड्रॉप। आप आपके चॉइस से यहाँ पे कोई भी कलर जरूर यूज कर सकते हो। केक को अच्छे से क्रम कोटिंग करने के बाद आप अगर केक के ऊपर क्रीम अप्लाई करोगे तो जो केक के क्रम्स रहते हैं वो फिनिशिंग करते टाइम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, या कहीं पे भी आपका क्रीम अनइवन या जो क्रम्स है वो केक के डिजाइन में मिक्स नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए आपको केक को अच्छे से क्रम कोटिंग करने के बाद एक आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साइड से क्रीम कवर कर दिया है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, तो टॉप पे क्रीम अप्लाई करूँगी और अच्छे से यहाँ पे मैं फिनिशिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आज मैं करने वाली हूँ डॉल, तो यहाँ पे मैं ड्रेस के लिए यूज़ करने वाली हूँ रेड कलर। तो रेड कलर को जो भी कॉन्ट्रास्ट कलर अच्छा दिखेगा तो उस तरीके से आपको यहाँ पे केक को अच्छे से कलर अप्लाई करना है और अच्छे से क्रीम से डिज़ाइन करके लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट शेड ही यूज़ किया है ताकि जो भी फ्रॉक का इफेक्ट आएगा वो केक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगा। यहाँ पे मैं स्क्रेपर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए था केक के अंदर, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाले स्क्रेपर से थोड़ा सा केक प्लेन करने के बाद दूसरा एक स्क्रेपर यूज़ किया था ताकि जो भी डिज़ाइन रहेगा, जो भी पैटर्न रहेगा वो अच्छा आ जाएगा, और बहुत ही कम क्रीम में हम लोग डॉल केक बहुत इजीली बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड से भी अच्छे से फिनिशिंग करके लिया है, साथ ही में अगर आपको एक्स्ट्रा वाला क्रीम दिख रहा है ऊपर से तो वो भी निकाल के लेना है। इसके बाद ऑयल ग्रीजिंग ब्रश लिया था ताकि एक ऊपर की तरफ अच्छे से यहाँ पे हमें टेक्स्चर मिले। थोड़ा सा जो वीडियो है मेरा, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा टेक्स्चर, बट कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही टेक्स्चर बहुत सारे वीडियो में दिखाए हैं तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटे से बाउल में क्रीम लिया है। क्रीम में अभी मैं रेड कलर मिक्स करने वाली हूँ। आप जेल कलर यूज़ करोगे तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको रेड कलर का इफेक्ट मिल जाएगा। अगर आप लिक्विड फूड कलर यूज़ करोगे तो थोड़ा सा पिंक शेड में अपना जो क्रीम रहता है वो बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी आप जेल कलर लो जस्ट, और आपको यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप आपको यूज़ करने हैं ताकि एक प्रॉपर रेड कलर मिले। बट इतना कलर ऐड करने के बाद भी क्या होता है, जो प्रॉपर रेड शेड आना चाहिए वैसे नहीं आता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्रीम को अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। कलर इंसर्ट करके आपको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करके लेना है ताकि जो भी आपका प्रॉपर शेड आएगा वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कलर को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके लिया था ताकि कहीं पे भी अपना वाइट क्रीम नहीं रहे या कोई भी मुझे शेडेड इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉपर रेड कलर आना चाहिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रीम को मिक्स करके लिया है। आप देख सकते हो इतने ड्रॉप्स यूज़ करने के बाद भी जो प्रॉपर रेड शेड आना चाहिए केक को वो नहीं आता है। तो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि क्या करना है। उससे पहले हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं डॉल केक का टॉपर। तो मेरे पास इस तरीके से टॉपर था, आप इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हो या केक के ऊपर यहाँ पे रख के भी आप डिज़ाइन ज़रूर कर सकते हो। तो यहाँ पे आज मैं केक के ऊपर ही रखने वाली हूँ, एक प्रॉपरली सेंटर में आ जाए उस तरीके से हमें यहाँ पे रख देना है तो दिखने में भी केक अपना सुंदर दिखेगा। और जो केक के लिए हमने शेड यूज़ किया था एकदम लाइम येल्लो कलर, एकदम लेमन येल्लो शेड, उस वजह से टॉपर भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्टिव लग रहा है, और जो हम लोग अभी ड्रेस बनाएंगे वो भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रेड कलर आने के लिए क्या करना है, क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने नूर का 17 नंबर का नोज़ल लिया है, जिसे हम लोग लीव नोज़ल भी बोलते हैं। बहुत सारी इससे डिज़ाइन भी बन जाती है। तो आज मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ ड्रेस बनाने के लिए। पाइपिंग बैग में अच्छे से इंसर्ट करो, पाइपिंग बैग को छोटा सा कट दो, और जो अपना जो भी शेड आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं आज रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, तो इसे भी पाइपिंग बैग में थोड़ा सा इंसर्ट करके लेना है, एटलीस्ट 1 से 2 ड्रॉप, और अच्छे से यहाँ पे पाइपिंग बैग के अंदर स्प्रेड करके लेना है ताकि अपने जो
क्रीम का कलर आएगा वो प्रॉपर रेड आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो पाइपिंग बैग में जस्ट 2 से 3 ड्रॉप ही मैंने ऐड किए हैं और जो भी क्रीम है आपका मिक्स किया हुआ उसे पाइपिंग बैग के अंदर आपको भर देना है और अभी हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा अगर आपको मिक्स करना है तो हल्के हाथों से यहाँ पे जस्ट प्रेस कर सकते हो, एकदम प्रॉपरली मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इंसर्ट करने के बाद अभी हम लोग डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो आप देखोगे ये बहुत ही सुंदर इससे कलर आता है। अभी यहाँ पे अगर आपको जो भी ड्रेस बनाना है तो आप आपकी चॉइस से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरा केक अच्छे से फ्रिल से या अच्छे से फ्रॉक से कवर किया था। अगर आपको शॉर्ट ड्रेस कुछ बनाना है तो आप उस तरीके से भी ज़रूर बना सकते हो, दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। देख सकते हो आप मैं किस तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ। इसी नोज़ल का यूज़ करके आप बहुत सारे वैरायटी के यहाँ पे फ्लावर्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये नूर का 17 नंबर का नोज़ल जैसे लीव्स के लिए यूज़ होता है वैसे ही इससे फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, या कोई लेस रहेगी बॉर्डर बनेगी वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। आप देख सकते हो ये वाला शॉर्ट फ्रॉक भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। जो पीछे वाला हैंड है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रीम से कवर करने वाली हूँ ताकि एक प्रॉपरली यहाँ पे हमें फ्रिल मिल जाए। अगर आपको वैसे ही प्रॉपर ओपन ही रखना है तो आप यहाँ पे कोई शॉर्ट ड्रेस बनाओगे तो भी चलेगा। तो अच्छे से हमें यहाँ पे फ्रिल बना के लेनी है ताकि केक दिखते टाइम भी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखे। और आप यहाँ पे रेड कलर भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर यहाँ पे रेड कलर अपना आया है। तो जैसे प्रॉपर फ्रॉक का डिजाइन आना चाहिए वैसे देख के आपको यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी डिजाइन ऐड करनी है। तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा ये जो फ्रॉक का डिज़ाइन है ये तो बनके रेडी है और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका टॉप वाला पार्ट, टॉप बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने स्टार नोजल यूज़ किया है और सेम क्रीम में यूज़ करने वाली हूँ। छोटे छोटे से हमें यहाँ पे स्टार देने हैं और आपको जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे ड्रेस बना सकते हो। तो आप इस तरीके से कोई भी ड्रेस का पैटर्न बना सकते हो। बाद में मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर कवर कर दिया था ताकि एक अच्छा सा हमें यहाँ पे इफेक्ट मिले और हमारा जो ड्रेस है वो भी ज़्यादा सुंदर दिखे। या अगर आपको यहाँ पे टॉप के लिए कोई डिफरेंट कलर यूज़ करना है तो आप वो भी ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये ड्रेस तो बन के रेडी है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्टार दिया था मैंने बो के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये डॉल तो बनके रेडी हो चुका है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर के लिए मैं सेम ये स्टार नोजल यूज़ करूँगी और एकदम छोटे से यहाँ पे मैं स्टार का यूज़ करने वाली हूँ ताकि जो अपना डॉल का इफेक्ट आना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम छोटी सी मैं बॉर्डर करके ले रही हूँ। अगर आपको जो ड्रेस के लिए हमने नोजल यूज़ किया है उससे बॉर्डर बनाना है तो आप उसका भी यूज़ ज़रूर कर सकते हो। तो पूरे केक को मैं अभी अच्छे से बॉर्डर करने वाली हूँ। तो आपने देखा होगा अगर कोई भी आपको डार्क शेड यूज़ करना है केक में तो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट क्रीम में थोड़ा सा मिक्स करके लेना है और जो भी आप डिज़ाइन करोगे, डिज़ाइन करने के लिए आपको पाइपिंग बैग में भी सेम यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप यूज़ करने हैं ताकि आपका जो कलर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर आएगा। जितना आप क्रीम में मिक्स करते जाओगे उतना आपका क्रीम भी मेल्ट होते जाएगा और आपको एक डार्क शेड नहीं मिलने वाला। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके कोई भी डार्क शेड वाला कलर ज़रूर बना सकते हो।
तो यहाँ पे हमारी ये बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है, आप देख सकते हो। इसके बाद जो डॉल का हैंड है उसके ऊपर आप कोई भी फ्लावर वाला शेप या छोटा सा स्टार भी दोगे तो भी चलेगा। मैंने क्या किया था, एक मेरे पास जो शुगर बॉल अवेलेबल था मैंने उसका यूज़ किया है। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे कोई भी फ्लावर का भी ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपके पास अगर शुगर बॉल्स रहेंगे तो आप इनका ज़रूर यूज़ कर सकते हो। मैंने जस्ट एक हल्का ही यहाँ पे रख दिया था। या आपको केक के साइड में भी यूज़ करने हैं इस तरीके से शुगर बॉल्स तो भी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिफरेंट सा ये केक का डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ और नए केक के रेसिपी के साथ।